कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए जहां आम नागरिक मास्क लगाकर सड़कों पर निकल रहा, तो वहीं फलों में भी संक्रमण को बचाने के लिए नए नए उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत सूर विहार कॉलोनी में स्थित आम के बागीचे में मनुष्य की तरह ही आमों को भी मास्क लगाकर उसे संक्रमण से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि आम के पेड़ों पर फलदार फलों को देखकर लोगों के मन में उसे तोड़ने की लालसा जग जाती है, जिसको देखते हुए सूर विहार कॉलोनी के लोगों ने अपने आम के फल को बचाने के लिए उसे थैलों से ढक दिया, यूं कहें तो मास्क पहना दिया, जिससे उसे ना कोई छुए और ना ही उसमें संक्रमण फैल सके। फिलहाल आमों के फलों के बचाव के लिए ऐसा कारगर कदम गोरखपुर में पहली बार देखने को मिला। इसके संबंध में सूर विहार कॉलोनी के नागरिक विजय गुप्ता ने बताया। विजय गुप्ता। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो सड़क पर होने कारण एक सुरक्षित रहे, लेकिन इस साल हम लोगों ने विशेष रूप से ही किया कि जो कोरोना की वजह से इस जो एक महामारी की वजह से कौन सड़क पर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसको छू ना ले, तो इसके लिए धीरे करते हुए इसको जो है एक इस तरह से बांधा जा रहा है कि लोग उसको छू ना पाए और उसका बचाव रहे। देखिए, इसका एकदम होना चाहिए। लोग कहते भी हैं कि जैसे पेड़ में भी जान होता है और आदमी में भी होता है, तो लिहाजा जो है हमको जिस तरह से हम अपने लोगों को सुरक्षित करते हैं उसी तरह उसको भी सुरक्षित करना चाहिए।